अब हमारा जो सेकंड टेंस है वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ऑलराइट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की खासियत क्या होती है कि उसकी सेंटेंस के लास्ट में किया या देखा आता है. जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है. उसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी दैट विल बी डिड. डिड, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे एंड दैट इज डिड. ऑलराइट, अब हम आते हैं सेंटेंसेस पे. सिंपल सेंटेंस का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं. इसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. इसका हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे मैंने खाना खाया तो उसको हम कैसे लिखेंगे? आई. अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट. ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट. आई एट फूड. ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल. हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. अब हम आते हैं नेगेटिव पे. नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है डिड, वो क्या है? डू की सेकेंड फॉर्म है. डू डिड डन. ठीक है ना, तो यहाँ पे जब ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हमारे सेकेंड फॉर्म में आ गई है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. डू डिड डन, तो हम यहाँ पे डिड लगाएंगे. ठीक है ना, अब आई एट फूड को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? आई डिड नॉट ईट फूड. ऑलराइट, अब हम आते हैं इंटरोगेटिव पे. इंटरोगेटिव में क्या होगा? वही जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ जाएगी. बाकी जो फॉर्मूला है सारा हमारा सेम रहेगा. कन्वर्ट करते हैं. डिड आई ईट फूड. ऑलराइट, सो वी आर डन विथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकंड टेंस पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? कि जो काम हमारा चल रहा था, ठीक है ना, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, मैं खाना खा रही थी, वे बच्चे खेल रहे थे, ठीक है ना, जो हमारा काम पास्ट में चल रहा था हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है वॉज या फिर वर. ठीक है ना, वॉज वर किस किस के साथ आता है मैं बताती हूँ. वॉज आएगा ही शी इट, जो हमारा सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ. लेकिन एक चीज़ और नोटिस करोगे आप कि मैंने यहाँ पे आई भी लिखा है. प्रेजेंट टेंस में तो आई हमेशा प्लूरल में कंसीडर कराता हमने, लेकिन यहाँ पे हम वॉज के साथ, हम आई के साथ वॉज लगाएंगे. इसको हम एज अ सिंगुलर पर्सन कंसीडर करेंगे बिकॉज एक एक्सेप्शन है. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आई को वॉज के साथ लगाएंगे. फिर हम आते हैं वर पे. तो वर पे हमारे सारे प्लूरल चीज़ें आ जाएगी, यू वी दे. ठीक है ना, नाउ कम्स ऑन सिंपल टेंस. तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वी कैन से वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे वह फुटबॉल खेल रहा था, इसका एग्जांपल क्या होगा? वह फुटबॉल खेल रहा था. ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. ऑलराइट, ये हो गया. हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया. नेगेटिव पे आते हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यही एग्जांपल को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा. ही वॉज, अब लगा देंगे हम नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फुटबॉल. ऑलराइट, नाउ कम्स ऑन इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्या होगा? हमेशा क्या होता आ रहा है इंटरोगेटिव में? कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बहुत सबसे आगे लग जाएगी. ठीक है, तो वॉज वर्ड था हमारे सबसे आगे लग गया. बाकी फॉर्मूला सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम इस सेंटेंस को कवर करते हैं इंटरोगेटिव में. ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या होगा? वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल? क्वेश्चन
Mark. So we are done with past continuous tense. You guys just take screenshots so that you can write down in your notebooks. अब हम आते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस पर. पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या खासियत होती है? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे अगर आ जाता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा. एंड सेकंड थिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, वी शेयर आर ओल्ड एक्सपीरियंसेस, द वर्क विच हैज़ बीन डन, मतलब जो काम हमारा हो चुका है, ठीक है ना, जो हमारा हो चुका था, हो चुका है नहीं, हो चुका था. एंड पास्ट, जो हमारा काम हम कर चुके थे, चुका था, चुकी थी, टू शेयर ओल्ड एक्सपीरियंसेस. इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो होगी हमारी हैड. ऑलराइट, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी. वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में. नाउ विल टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस. तो सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सिंपल है. देखो सारे टेंसेस बहुत सिंपल हैं. प्रेजेंट टेंस आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में बस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी है, दैट्स इट. तो हम आते हैं सिंपल टेंस में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं मूवी देख चुकी थी, ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, मैं मूवी देख चुकी थी, आई हैड देख चुकी थी. वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉच्ड, डब्ल्यू ए टी सी एच ई डी, आई हैड वॉच दी मूवी. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस. तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हम कन्वर्ट करते हैं इस सेंटेंस को नेगेटिव में, तो क्या होगा, आई हैड नॉट वॉच्ड द मूवी. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड वो सबसे पहले आ जाएगी, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा. सो लेट्स कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव वन. हैड सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड द मूवी. क्या मैं मूवी देख चुकी थी, ठीक है. सो वी आर डन विथ पास्ट परफेक्ट टेंस. इट वॉज सो ईजी. ऑल राइट, जस्ट टेक स्क्रीन शॉट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑल राइट, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, जो काम हमारा पास्ट में चल रहा था, द वर्ब विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, वॉज आ गया इन द पास्ट. ऑल राइट, सो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन. देखो पास्ट में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विच इज हैड. परफेक्ट में, जैसे पास्ट परफेक्ट में हैड यूज हुई थी, यहां पे देखो एक चीज समझो, पास्ट परफेक्ट आ गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस का क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी. ऑलराइट, सो जैसे कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया. अब हम आते हैं सिंपल सेंटेंसेस पर. इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर सिंस एंड फॉर. सिंस फॉर का यूज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता ही दिया था.
वहाँ यहाँ पर भी सेम वही उसी तरीके से हमें यूज में लेना है। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। तो मुझे बताइए सिंस आएगा या फोर आएगा। 2 घंटे से खेल रहा था, हमें नहीं पता कि 2 घंटे कौन से वाले 2 घंटे की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे फोर। फॉर 2 आवर्स आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन। देखो नेगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी हैड बीन, इसमें क्या होगा नॉट बीन और हैड के बीच में आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर। इसको हम इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें नेगेटिव में, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। लेट्स कम ऑन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैड हमारा सबसे आगे आ जाएगा, बीन से पहले सब्जेक्ट आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर क्वेश्चन मार्क। इस एग्जाम्पल को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा होगा, हैड सब्जेक्ट क्या है, आई हैड आई बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours question mark and we are done with past perfect continuous past and we are done with past tense. Now we will talk about future tense, but before that you need to take screenshot. तो अब हम बात करते हैं हमारे last tense future tense की। उसका जो फर्स्ट है वो है हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो ये होती है कि हमारे किसी भी सेंटेंस में गा गी या गे आएगा, जो काम हम करने वाले हैं, जो काम हम करेंगे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है, वह खाना खाएगी, वह घर जाएगी, वह स्कूल आएगा, वट एवर, जहाँ पे गा गी गे आएगा उसको हम एज अ फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस कंसिडर करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल। ठीक है, बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बता दूं कि विल और शैल हमारे मॉडल्स में भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ज्यादातर केसेस में विल ही यूज करेंगे। आई के साथ हम विल यूज करेंगे, वी के साथ हम विल यूज करेंगे, क्योंकि शैल का हम बहुत रेयर केसेस में यूज लेते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आई विल ईट, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, आई शैल ईट फूड, मुझे खाना खाना चाहिए। मतलब शैल में क्या होता है कि हम एक शैल हमें ऑब्लिगेशन शो करता है कि वो काम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर केसेस में शैल का यूज नहीं लेते हैं, हम विल का ही यूज़ लेते हैं। वी विल, आई विल, हम ऐसे यूज लेते हैं। और डिटेल में जानने के लिए हम मॉडल्स पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि शैल का हम बहुत रेयर केसेस में यूज़ लेंगे और ज़्यादातर हम विल का यूज़ लेंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं मॉडल्स के टाइम पे आप लोगों को बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों होता है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस
will shall plus verb की first form plus object. ठीक है, तो इसका हम example देखते हैं कि वह football खेलेगा. He will play football. ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं. आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी. आई विल टीच यू, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंसेस. अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन. ही विल प्ले फुटबॉल. ही will not play football. I will teach you. I will not teach you. Now let's talk about interrogative sentences. वही चीज होगी, helping verb सबसे आगे आ जाएगी, plus helping verb plus subject plus verb की first form plus object plus question mark. हम convert करते हैं इसको interrogative में. He will not play football. He will play football. तो इसको हम कैसे convert करेंगे? Will, क्या वह football खेलेगा? Will he play football? Question mark. So we are done with future indefinite tense. तो अब हम आते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पर. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान होती है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. वह काम चल रहा होगा, मैं घर जा रही होंगी, मैं खाना खा रही होंगी. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है कि इसमें हम अजम्पशंस की बात नहीं करते हैं कि मैं वो काम कर रही होंगी, ऐसा नहीं है. मुझे पता है कि मैं अगले 2 घंटे में what I will be doing in my next 2 hours. I know that. For example, this is my class and I am going to take another class in just 30 minutes. So that means कि मैं अगले 30 मिनट में दूसरी सब्जेक्ट की क्लास ले रही होंगी. ये कन्फर्मेशन है. ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस. तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मैं आज आ रही होंगी. आई विल बी कमिंग टुडे. लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. विल और बी के बीच में नॉट लगेगा. ठीक है, so I will be coming home today. Let's convert this sentence into negative one. So it will be like I will not be coming home today. All right, I will not be coming home today. Let's talk about interrogative sentences. तो इसमें क्या होगा? Will plus subject plus be प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. लेट्स कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव. सो इट विल बी लाइक विल आई बी कमिंग टुडे. विल आई बी कमिंग टुडे, क्या मैं आज आ रही होंगी. तो वी आर डन विथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑलराइट, so now let's talk about future perfect tenses. future perfect tenses की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है कि किया होगा, चुका होगा, कोई काम हमने कर लिया होगा. actually in future tense we talk about assumptions. In future perfect tense,
वी टॉक अबाउट अजम्पशंस लाइक मैं वो काम कर चुकी होंगी बट कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्या पता मैं ना भी कर पाऊँ. ऑल राइट, सो इसकी हेल्पिंग कब होगी? विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव. ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस. तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हमेशा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. ठीक है, तो अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं वो मूवी देख चुकी होंगी, मैं मूवी देख चुकी होंगी. ठीक है ना, इसका कुछ ऐसे होगा, आई विल हैव वॉच्ड दी मूवी, आई विल हैव वॉच्ड दी मूवी. नाउ लेट्स मूव ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. विल हैव जो होगा, शैल हैव जो होगा, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव. Let's convert this sentence into negative one. So it will be like, I will not have watched the movie. I will not have watched the movie. Let's come on interrogative sentences. So the हेल्पिंग अब क्या होगी हमारी, वो सबसे आगे आ जाएगी. एवरीवन नोज अबाउट इट. विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव वन. सो इट विल बी लाइक, विल आई हैव watched, will I have watched the movie? Will I have watched the movie? So we are done with future perfect tenses. अब हम आते हैं हमारे last टेंस पर, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो काम चल रहा होगा और अभी तक चल रहा है, चल रहा होगा. ठीक है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये होगी, विल हैव बीन शैल हैव बीन, विल हैव बीन शैल हैव बीन. लेट्स टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस. फॉर्मूला आपको बड़ा लग रहा होगा बट ट्रस्ट मी, दिस इज एज इजी एज प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है. विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारे यहाँ पे. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. सिंस फॉर का रूल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बता दिया था. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह कल रात से पढ़ रही होगी. इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसा होगा, शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन वो की आई एन जी फॉर्म स्टार्टिंग Starting. अब यहाँ पे मुझे बताइए सिंस आएगा या फोर आएगा? सिंस आएगा, क्योंकि हमें पता है रात की बात हो रही है, लास्ट नाइट. शी विल हैव बीन स्टार्टिंग सिंस सिंस लास्ट नाइट, कल रात, लास्ट नाइट. She will have been studying since
last night. All right? Now let's talk about negative sentences. तो negative sentences का formula ऐसा होगा, subject plus will shall plus not plus have been plus verb की ing form plus object plus since for. इस sentence को convert करते हैं negative में. Let me change my marker. All right. So it will be like she will not have been studying since last night. Since last night. She will not have been studying since last night. Now let's talk about interrogative sentences. तो इसका हमारा ऐसा बनेगा, will, subject क्या है, she, will she have been studying since last night? Since last night? Question mark. I don't know what is wrong with the marker, but will she have been studying since last night? ये हमारा हो गया interrogative, and we are done with all the tenses. But now अब हम क्या करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नाउ आई विल मेक अ टेबल विच विल कंटेन ऑल दी हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब्स एंड ऑफ ऑल दीज टेंसेस. ऑलराइट, सो यू गाइस जस्ट टेक स्क्रीनशॉट. अब हम आते हैं लास्ट हमारी सारी टेंसेस की टेबल पर. यहाँ पर देखिए, मैंने सारे हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स लिख दिए हैं. यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. इनके टाइप्स है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. हम देखते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होगी डू डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस एस और यस लगेगा अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो. इसके प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस को देखेंगे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी. प्रेजेंट के परफेक्ट को देखेंगे तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी. पास्ट में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, लेकिन अगर डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होगी वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमारी. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. फिर इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर टेंस पे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की होगी विल बी, शैल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट की होगी विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म. एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की होगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. एंड वी आर डन विद ऑल द टेंसेस. थैंक यू सो मच. यू गाइस जस्ट टेक स्क्रीनशॉट. ऑलराइट.